आज अपन को सेकंड लेयर डालनी है, तो पहले देख लो, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ फिर करते हैं। तो यहाँ मैंने बेस लेयर डलवा दी थी, ठीक है। ये पेपर है, पेपर के आसपास देखो, बालों के आसपास देखो, नीचे देखो, थोड़ा एक ग्रेडियंट सा दिख रहा है, डार्क ब्लू लाइट होता है, तो वो हिस्सा शेड। आईज के ऊपर ये जो ओवल शेप है, इसे छोड़ के बाकी सब शेड होगा। एक चीज ध्यान रखनी है, जो पीछे की तरफ थोड़ा जा रहा है ना, इसे शेड उठा हुआ सा इफेक्ट आता है, और ये आईब्रो के एंड तक मिलना चाहिए वो शेड। आई लैशेस भले ही ना मिले, लेकिन वो जो शेड है वो मिलना चाहिए। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे देख, मैं फोरहेड से स्टार्ट कर रही हूँ, ऊपर वाले पोर्शन से। तो पेंसिल पीछे पकड़ो, ये 2B पेंसिल है। ओके, 2B पेंसिल है, इसे आराम आराम से सर्कुलर चला। मुझे स्मूथ शेडिंग चाहिए, भले ही 5 की जगह 10 मिनट ले लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शेडिंग मुझे स्मूथ चाहिए। देख लो, ये हिस्सा छोड़ा था तो एकदम ऐसा नहीं, HB यहाँ तक था तो 2B उससे कम ही रहेगा। ओके, इधर इधर इतना इतना हिस्सा कर रहा हूँ मैं, HB यहाँ तक किया था, एक बार ध्यान रखना। और ये यहाँ आके इतना हिस्सा हो गया। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने बताया भी था, डार्क लाइट एकदम से अगर ब्लेंड नहीं होता, अपन को हल्का हल्का 2B से इसकी बॉर्डर पे शेड करना पड़ेगा, ताकि जब अपन ब्लेंड करें तो वो स्मूथली ब्लेंड हो जाए। तो ये मैंने 2B की एक लेयर बहुत लाइटली चढ़ा दिया, ठीक है। अब आईज के ऊपर वाला पोर्शन देखो, ये एक एक गो में है, ठीक है, इतना पोर्शन कर लिया है। सेम वही मैं फोर्थ लेयर थर्ड लेयर जब करूंगा 4B से और डेप्थ वाली, उसमें एक एक स्टेप बताऊंगा, उसमें एक एक टाइम दूंगा। अभी एक फ्लो में है, तो ये फ्लो देखो, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, कहीं और मत ध्यान देना, अभी चुप जाएगा कुछ। ये इससे जो डार्क दिख रहा है ना, ये थर्ड फोर्थ लेयर का काम है, अभी अपना सेकंड लेयर में नहीं है। सेकंड लेयर में क्या है, जो अपन ने HP से किया था उसका थोड़ा और डार्क, ठीक है। तो ये लेते आते थे, जैसे ओवल शेप था, इसे छोड़ के बाकी पूरा ऐसे ओवल ओवल कर दो। मैंने क्या बोला था, पीछे की तरफ ऐसे जाना चाहिए, यहाँ है मिल रहा है ये मेरा, तो मैं जो शेड करूंगा ऐसे लंबे ओवल्स बनाऊंगा, ताकि ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है। वही सेम चीज अब मैं नीचे वाली लेयर में करूंगा। देखो यहाँ ये तो थोड़ा भर भी जाए कोई परेशानी नहीं रहती, एक बात ध्यान रखना, अपने पास इरेजर्स हैं, लेकिन इरेजर होना और इरेजर को यूज करना अलग बात होती है। इरेजर अगर दुनिया भर की हो, लेकिन उसे यूज करना नहीं आ रहा, इससे अपन नीडेड इरेजर से यूज करें, क्यों, अपन को एक हल्की सी लेयर हटानी होती है तो अपन नीडेड इरेजर यूज करते हैं। और अपन को एकदम पूरा हटाना, जैसे अभी अपन को पेपर पे हटाना होगा, तो अपन उसमें मोनोजीरो इरेजर यूज करें। जैसे ये वाला पोर्शन है, तो थोड़ा चीक्स पे यहाँ छूटा हुआ सा है, तो एक हिसाब लगा लो कि ओवल हिस्सा। अब ध्यान रखना, मैं ओवल हिस्सा छोड़ रहा हूँ और सर्कुलर शेडिंग कर रहा हूँ, पेंसिल पीछे पकड़ा हूँ, एकदम लिटा के शेडिंग कर रहा हूँ, तो बहुत स्मूद आ रही है, ठीक है। मैं सफिशियंट टाइम लेके कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी स्पीड है, मेरी स्पीड कॉपी करने की कोशिश मत करना, ठीक है। मेरी प्रैक्टिस है, तो मेरी स्पीड तुम लोगों से थोड़ी ज्यादा है, तुम्हें 10 मिनट लग रहा है इतना करने में, मुझे कोई परेशानी नहीं है 10 मिनट, आराम से करना, ठीक है। तो ये सेकंड लेयर भी हो जाती है, तो पहले इतना करो। चलो ब्लेंड करते हैं अपन, ब्लेंड के लिए कॉटन ले लो, ठीक है। कॉटन को मैंने क्या बोला, इस तरीके से टिप बना लो उसकी, और अब फोरहेड में, फोरहेड पे बीच वाले हिस्से की बॉर्डर पे सर्कुलर चलाना। तो आगे से चालू किया, देखो प्रेशर खींचना नहीं है, अपन को क्या करना, जो ऊपर का हिस्सा है, जो नीचे का है, जो बीच का है, उन सबको एक टोन में लाना है, एक ही प्रेशर के साथ यहाँ यहाँ से सर्कुलर चलाते रहो, ठीक है, इस तरीके से। ये पूरा हिस्सा जो आईब्रो के हिस्से ऊपर छोड़ा था ना मैंने हल्का सा, इसके बॉर्डर्स पे चलाना सर्कुलर ऐसे, फिर यहाँ से करते करते ये नीचे आ गए। जिसका रफ रफ हो रखा है थोड़ा, उस एरिया में हल्के हल्के से चलाओ, क्योंकि उस एरिया में अगर डार्क चलाओगे तो वो रफ वाला पार्ट और गंदा लगेगा। अगर जैसे मान लो यहाँ पे ज्यादा शेड आ गया, उसमें बहुत आराम आराम से उसे आसपास फैलाओ, मान लो ये आ गया मेरा, अगर गलती से तो मैं इसे ऊपर ऊपर फैलाने लगूंगा, नीचे नीचे ले जाऊंगा, और जिनका नहीं है वो आराम से करो, ठीक है। अब हल्का हल्का फैल गया ये, तो अब ब्रश लो, ब्रश से फ्लो बनाने की कोशिश करो। जैसे ये है डाउनवर्ड फेसिंग कर्व हो गया, ये भी इस तरीके से टिप यूज करो इसकी, ये ऊपर की तरफ करते हुए ये यहाँ पे ऐसे सर्क्यूलर चलाओ, ठीक है। तो ये सेकेंड लेयर अपनी ब्लेंड हो जाती है, कर लो। तो अब अपन ने ब्लेंड कर ली दोनों लेयर्स, तो अब अपन के पास आती है तीसरी लेयर, फोर्थ, क्योंकि 2B तो अपन ने यहाँ पे भी करी थी, यहाँ पे भी इसे थोड़ा और डेप्थ देने के लिए, बियॉन्ड डेप्थ दे सकते हैं,
अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि अपन ने ना ये सबसे ज्यादा डेप्थ है और ये उसके बगल में एकदम हाईलाइट्स है, ठीक है। तो आप फोर बी प्लेयर देते हैं, अब अपन फोर बी की है, ठीक है। इधर देखो आप कहाँ कहाँ देखिए, एच बी यहाँ तक थी, टू बी यहाँ तक रहेगी, फोर बी उसके और पीछे पीछे। तो फोर बी क्या हो गया, एक तरीके से जो आउटलाइन आ रही है ना, ये असल में तो सिक्स बी है वैसे, ठीक है, लेकिन जो आउटलाइन के बाहर हल्का हल्का आ रहा है ना, तुम्हें क्या करना है, जैसे आउटलाइन जा रही है तो बाहर से डार्क करो और अंदर आते आते एकदम टू बी एच बी जितना लाइट हो गया, ये डार्क है, अंदर आते आते टू बी एच बी जितना लाइट हो गया, ऊपर की तरफ बाल जा रहे हैं, डार्क है, अंदर आते आते लाइट हो गया। यहाँ देखो ये बाल वाला पोर्शन है, डार्क दिख रहा, लेकिन राइट टू लेफ्ट आते आते लाइट हो गया। मैंने जब पहले स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करवाई थी तो प्रैक्टिस में मैंने वो करवाया था कि डार्क लाइट ले जाओ पेंसिल को, सेम वही तरीका है शेडिंग में, वही अप्लाई करना है, ये डार्क है, डार्क टू लाइट लाते हैं, तो देख सकते हो डिफरेंस ऊपर और नीचे में। तो देखो ये फोर हेड होती है, अब जरा आ जाओ आईज के ऊपर वाले पार्ट पे, तो ये देखो ये हिस्सा आगे का अलग ही डार्क दिख रहा है, तो वो जो पोर्शन है, जैसे टिप से स्टार्ट करो इसकी, टिप से ले जाओ आगे की तरफ, ठीक है, और फिर धीरे धीरे इस ओवल से थोड़ा दूर होते होते और ये ऊपर ज्वाइन कर दो, ठीक है, ये हो गया। आईज के हल्का हल्का ऊपर ले जाओ, अब ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है थोड़ा फैला हुआ, अभी मेरे क्या दिख रही है, लाइन दिख रही है, अब ये फैला हुआ दिख रहा है, तो हल्का हल्का मैं पहले शेड करूंगा ये, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाता हूँ हल्का हल्का, मैं ये एक मोटी सी स्ट्रिप नहीं चाहता हूँ, वो मत बना देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, हल्का हल्का शेड करो, क्योंकि इसे बाद में ब्लेंडिंग स्टंप से ब्लेंड कर देंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ऊपर ले गए, हल्का हल्का यहाँ नीचे की तरफ लाओ, हल्का बस इतना काफी है। अब जैसे ये डार्क है ना, अंदर की तरफ क्या करना, डार्क टू लाइट लाना है, फोर बी का एक ही काम है, डार्क टू लाइट लाना है, डार्क टू लाइट ही आ गया। सेम चीज यहाँ पे, इसे ज्वाइन किया यहाँ पे, नीचे भी वही होगा, ये आया, ये ऊपर की तरफ आया, डार्क टू लाइट, ये बॉर्डर है, बॉर्डर से लेफ्ट राइट आया, डार्क टू लाइट होते हुए, ये राइट टू लेफ्ट आया, ऐसे कर्व करना, देखो एक बार में पूरा नहीं हो रहा तो एक एक ब्लॉक पकड़ लो छोटा छोटा, राइट टू लेफ्ट आए, डार्क टू लाइट होते हुए, ये डार्क टू लाइट होते हुए, ये जो कर्व दिख रहा इसको हल्का हल्का शेड का, हल्का हल्का, सुनो मैं जो बोल रहा हूँ ना, जहां पे हल्का वहां ये समझ लो कि पेंसिल को बहुत आराम से यूज करना है, क्योंकि फोर बी है, गड़बड़ खराब कर सकती है ये, तो इधर से क्या करना, डार्क टू लाइट नीचे की तरफ लाते हुए, नीचे से डार्क टू लाइट ऊपर ले जाते हुए, हल्का हल्का, देखो बहुत हल्का हल्का शेडिंग कर रहा हूँ मैं, फोर बी पेंसिल पकड़ा हूँ लेकिन मैं टू बी के हिसाब से उससे शेड कर रहा हूँ, इस तरीके से देख सकते हो अलग डेप्थ दिखने लग गई दोनों में, तो ये अपनी थर्ड लेयर भी हो जाती है। तो अब कॉटन लो और कॉटन से ब्लेंड करो, तो एक बार ध्यान रखना बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब अपन फोर बी से कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से धीरे धीरे आगे की टिप छोटी कर लो, आगे पकड़ लो, लेकिन प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे करो एकदम टिप बना के, ओके, आराम आराम से पहले मुझे देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये ऊपर का हिस्सा आया, धीरे रुकना नहीं और कहीं, तुम रुके और तुम्हारा पूरा ग्रेफाइट उस जगह आ जाएगा और पैचेस बन जाएंगे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि एकदम पैचेस से बन गए गंदे से। ये आया, इसके बाद ये बाहर सर्किल ओवल वाला शेप था, ये इसे ऐसे ले जाना ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे हल्का हल्का ऊपर की तरफ, फिर यहाँ नीचे से चालू करना धीरे धीरे, ऐसे ओवल शेप सर्कुलर ब्लेंडिंग करते जाओ अपनी, ठीक है, ये जो शेप थोड़ा छोटा दिख रहा है, छूटा हुआ दिख रहा है, सॉरी छूटा हुआ दिख रहा है, उसकी बॉर्डर्स पे करो ऐसे सर्कुलर, हल्का हल्का छूटना चाहिए, ऐसे बहुत एकदम नहीं चाहिए कि एकदम अलग से दिख रहा है, हल्का सा दिखना चाहिए कि छूटा हुआ है, ओके okay. अब इसके बाद क्या रहता है, आराम से इसे ब्रश से फैला लो, ओके ये हिस्सा इतना आराम से ब्रश से कर्व कर करके फैला लो, आगे का हिस्सा, ये हिस्सा, तो इस तरीके से, ये हिस्सा बहुत ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, हल्का सा दिखेगा काफी, इस तरीके से मैंने ब्लेंड कर दिया, देख सकते हो डिफरेंस आ गया, अभी सिक्स भी डालेंगे, आईब्राउज बनाएंगे, बाल बनाएंगे, बहुत मजा आ जाएगा, ये देख स्केच देख, इतना ब्लेंड कर लो, उसके बाद फिर अपन 6B है और जो ब्लेंडिंग स्टंप का काम है वो कर, तो अब अपन को क्या करना है, तो ये चीज देखो 6B पेंसिल लो सबसे पहले, ये जो डार्क डार्क एरिया दिख रहे हैं, जैसे देखो ये वाला एरिया हो जाता है एक डार्क,
उसे शेड करो बस, ये जैसे आउटलाइन टाइप आ रही है इसे हल्का शेड करा, आंखों के सामने ये हिस्सा है तो इसे सर्कुलर शेड करो। 6B पेंसिल से, कौन सी पेंसिल से? 6B। मैं बहुत नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत एकदम डार्क करो, मैं पेंसिल खुद एक्सटेंडर में लगा के पीछे पकड़ा हूँ, बहुत आराम आ रहा है। अब वही सेम चीज आप पीछे की तरफ करो, ऐसे पीछे ले जाते हुए, ओके, इतना हिस्सा ऐसे धीरे धीरे सर्कुलर शेडिंग में शेड कर लो, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ब्लेंडिंग स्टंप लो जिसमें ऑलरेडी थोड़ा सा ग्रेडिएंट हो, थोड़ा सा, एकदम काला नहीं और एकदम सफेद भी नहीं, यहाँ रखो, पीछे पकड़ो और धीरे धीरे सर्कुलर चलाओ। देखो ये थोड़ा प्रिसीजन वाला काम है, गलती हुई तो बुरी तरीके से फैल सकता है, इसलिए धीरे धीरे करो और मुझे देख लो। मैं यहाँ पतली सी लाइन चलाया, अब ये हिस्सा थोड़ा मोटा है तो मैं जहाँ जहाँ शेडिंग है पहले वहां वहां ब्लेंड करूंगा, अब मैं उस ब्लेंडिंग को आगे की तरफ फैलाऊंगा, ठीक है। ये उसकी ब्लेंडिंग में आगे की तरफ, इस पेपर पीस पे आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है, ये आई की टिप तक लाना है, मतलब फिंगर टिप पे ज्वाइन नहीं करना, उसे थोड़ा गैप रखना, ये इसके पीछे है, ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रोक्स लगा दो ना, बट जैसे दो चार स्ट्रोक्स लगाओ और सर्कुलर शेडिंग चालू कर दो, ब्लेंडिंग सर्कुलर ब्लेंड, ठीक है, उल्टे सीधे नहीं कि पूरे में फैलाने लगा, अपन को ये शेप जो चाहिए ना, ये वाला शेप, ये शेप आना चाहिए। इसके बाद क्या है, अब अपनी देखो इतनी अपन ने ब्लेंड कर ली है कि अपन ने 10B से किया था ये आंखों के आउट में, गायब सी हो गई, ओके, तो हल्की हल्की शेडिंग और आउटलाइन बना लो ये दोबारा, ओके, ये बना ली आउटलाइन, उसके बाद आंखों के नीचे वाली आउटलाइन गायब हो गई थी, तो वो अपन को बनानी है मैकेनिकल पेंसिल से, आंखों के नीचे वाली आउटलाइन, ठीक है, फिर ये जो आई लैशेस वाली आउटलाइन रहती है और फिर उसके नीचे जो आई की कवरिंग वाली आउटलाइन रहती है, ये कर्व रहते हैं ना ऊपर जाके, अब ये जो कर्व आया है, ठीक है, तो इसके लिए अपनी 6B पेंसिल लेना, जैसे ऊपर ले गए थे ना, पर हल्का हल्का यहाँ नीचे की तरफ ला, ऐसे डार्क शेड बहुत हल्के हल्के तरीके से लाना, मुझे बहुत डार्क नहीं चाहिए। देखो मैं जब बोलता हूँ मुझे बहुत डार्क नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये समझ लो कि तुम्हें पेंसिल को, जैसे 6B पेंसिल है तो तुम्हें उसे 4B की तरह यूज करना है, 4B है तो तुम्हें उसे 2B की तरह करना है, 2B है तो उसे HB की तरह यूज करना है, और ये हुआ, अब मैकेनिकल पेंसिल लो और डार्क टू लाइट कर दो, तो ये है, इसे आगे की तरफ लाते थे, तो आगे लाते लाते उसे थोड़ा लाइट हो जाएगा, उससे क्या होगा एकदम से नहीं लगेगा कि एकदम से उल्टा सीधा कुछ भी कर दिया था, तो यहाँ डार्क लाइट धीरे धीरे आता जाएगा, एक की जगह दो लेयर कर लो मैकेनिकल पेंसिल से, ठीक है। अब ऊपर वाली जो लाइन है, थोड़े जो आउटसाइड की जो फिगर्स हैं वो अगर डिस्टॉर्ट हो गए हो तो उन्हें करो, ओके, और ये लो अपना ब्लेंडिंग स्टंप और वापस इसे ब्लेंड करना स्टार्ट कर दो इस तरीके से, ठीक है, इसे लाओ ऐसे कर्व करते हुए डार्क टू लाइट एरिया में, ऐसे कर्व करते हुए, ठीक है, डार्क टू लाइट में कर्व करते हुए आए। अब 6B पेंसिल का क्या काम है, एक आउटलाइन बनानी है अपन को, आउटलाइन किस चीज की बनानी है वो देखो, ये जो पूरा पेपर दिख रहा है ना अपन को, ये यहां से ये तो बाल आ रहे हैं, यहां से अब यहां से जो आउटलाइन जा रही है वो बनाई अपन ने, आउटलाइन दिख रही ना अपन को, ये आउटलाइन डार्क अपन वही बना रहे हैं। अब एकदम ये मत करना कि 10B से बनाना स्टार्ट कर दो, 6B से भी होगी है, 10B बहुत डार्क हो जाएगा, और अगर अपन को डेप्थ की जरूरत पड़ेगी तो 10B तब यूज कर लेंगे, तो ये आउटलाइन बन गई, अभी हल्की सी आउटलाइन यहाँ आ जाएगी नीचे वाले पोर्शन में, बाकी ये तो बाल है। अब मैकेनिकल पेंसिल लो और ऐसे डार्क टू लाइट ऐसे बाहर से अंदर की तरफ लाते जाओ, हल्का हल्का ये जो लाइन बनाई ना अपन ने इसके आसपास शेड करो, ये जो एरिया है ना जैसे ये वाला मैकेनिकल पेंसिल से शेड कर रहा हूं मैं, ओके, तो स्मूथ आना चाहिए, ऐसा रफ सा नहीं चाहिए मुझे, मैं जो 6B पेंसिल से आउटलाइन दी ना उसे एकदम ऑड ना लगे वो आउटलाइन, इसलिए उसके आसपास थोड़ा शेड कर रहा हूं मैकेनिकल पेंसिल से, ये कर लिया मैंने। उसके बाद कॉटन का एक छोटा सा हिस्सा आगे की तरफ रखना हो, पूरे में सर्कुलर चला दो, ठीक है, तो इतना कर लो। अपन को चाहिए 10B पेंसिल, ठीक है, क्योंकि अपना ये समझ लो ये वाला पोर्शन हो चुका है, अपन को अब इसमें जो शेड आएगा ना
वो बालों से हल्का हल्का इधर लाते हुए कर लेंगे। तो अपन को जब चेहरे में जो डेप्थ चाहिए है वो एक ही जगह बचती है सर, ठीक है, आईब्रोज पे। पेंसिल शार्प करो और इधर देखो, एक एक बाल जो है, अब आईब्रो देखना ये वाला, एक एक बाल चाहिए मुझे सही। और ये मत करना कि इधर एक बाल इधर तक, ये आगे के बाल जो पिछले हुए हैं वो छोटे से और एकदम से बड़े हो गए। मुझे देखो, एक एक बाल मैं बना रहा हूँ ऐसे, ये गया फिर ये ऊपर की तरफ गया, इनके बीच में हल्का सा गैप है, ये गया ये अपोजिट डायरेक्शन में गए, यहाँ से एक बीच में एक ऊपर की तरफ अलग गया, ठीक है। इधर इधर से जो ज्वाइन हो रहा है, इससे पहले जो दो चार जा रहे हैं वो थोड़े बड़े से, ठीक है। ये जो रैंडम बाल भाग रहे थे ये वो बने हैं, ठीक है। अब जो आ रहे हैं इनमें देखो बीच में गैप है थोड़ा, तो वो गैप अपन मोनोजीरो इरेजर से बना सकते हैं या फिर अपने व्हाइट जेल पेन से बना सकते हैं, किसी से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर बीच में छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, कोई परेशानी नहीं है। पेंसिल पूरे टाइम शार्प रखना, ये कर्व आया, इसके पीछे इसके जैसे दो कर्व आ गए, ठीक है। यहां तक कर्व बनाने हैं, पीछे से आगे की तरफ लाने हैं, ठीक है। तो मुझे देख लो पहले जो गलती करी है जिन्होंने, वो दोबारा गलती रिपीट नहीं करना। इसके बीच में थोड़े गैप है, मैंने गैप भी नहीं है वो, ठीक है। इस तरीके से कर्व यहाँ तक आया, गैप दिया बीच में, रुक जाओ। अब यहाँ राइट टू लेफ्ट आना है, तो ये ऊपर की देखो ना, लास्ट टाइम किया नहीं था कुछ लोगों ने, ये पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं तो अलग से दिखना चाहिए मुझे, वो लाइन जो दिख रही थी ना वो नहीं दिखनी चाहिए। ये जो आ रहे हैं ना थोड़े बिखरते हुए, इधर 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 बस, ठीक है, इस तरीके से आ गए। कुछ नीचे भी जा रहे हैं, बहुत नीचे नहीं लेकिन जा रहे हैं, ऐसे दिखने चाहिए कि हाँ दो चार नीचे की तरफ गए हैं। देखो शार्प नहीं आ रहे, कोई परेशानी नहीं, मैकेनिकल पेंसिल लो, इससे थोड़े डार्क डार्क ऐसे मैकेनिकल पेंसिल से कर लो। अब जो अंदर का है खेल, वो अपन वापस अपनी 10B पेंसिल पे आते हैं। 10B पेंसिल से बाकी का हिस्सा जो फर्स्ट लेयर तक किया था ना, जैसे कर्व करते करते ये लो अपना हो गया। तो अब जरा क्या करना है अपन को, अपने ब्लेंडिंग ब्रश लो, और ब्लेंडिंग ब्रश आगे वाले हिस्से में नहीं करना, सिर्फ जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें किया, ठीक है, आराम आराम से। अब देखो, अब अपन को चाहिए है अपनी मोनो जीरो इरेजर, ठीक है। मोनो जीरो इरेजर को थोड़ा ऐसे जो है कट कर लेना, जो आगे का हिस्सा है उसे एकदम फ्लैट रहना चाहिए, जैसे हल्का सा जो है थर्माकोल कटर की मदद से इस तरीके से कट कर दो, ठीक है। तो अभी जब निकलेगी तो एकदम शार्प निकलेगी। अब जो बीच में गैप थी, जैसे ये जा रहा, तो एक प्रेशर के साथ एक स्ट्रोक मारा, एक प्रेशर के साथ, ये जो देखो बीच में थोड़े गैप होने चाहिए, ठीक है। ये एक इरेज किया, ये एक इरेज किया, थोड़े यहाँ इरेज करे, पीछे की तरफ इरेज किया, ठीक है। अब मैकेनिकल पेंसिल लो और बीच में हल्के हल्के जो अपन ने इरेज किया ना उनके बीच में हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगा लो, इसे थोड़ा नीचे तक आना चाहिए। इस तरीके से अपनी जो आईब्राउज हैं वो बन जाती, आगे वाले जो है उन्हें दोबारा मैकेनिकल पेंसिल से हल्के हल्के जो भाग रहे हैं थोड़े बैकग्राउंड में वो बना सकते हो। इस तरीके से अपनी आईब्रोज हो जाती है, ठीक है। थोड़ा पीछे पीछे भी ले आओ, और तो इस तरीके से आईब्रो हो जाती है। और आज के लिए इतना काफी है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अब अपन को आईज, पूरा आईज कंप्लीट करके आगे बढ़ना। तो अब जो अपन को करना है वो सब मैकेनिकल पेंसिल से है। तो पहले यहाँ ध्यान से देखो क्या करना, ये जो नीचे वाली आउटलाइन है, ये वाले कर्व, इस पर हल्का हल्का शेड करना चालू करो, ये जो कर्व जा रहा है, ठीक है। इस पर जैसे रेफरेंस इमेज में यहाँ पे कर्व है, ठीक है, फिर इसके नीचे वाला जो कर्व है इस पर थोड़ा शेड करना चालू करो, थोड़ा टिप पे शेड किया, ओके। अब क्या करना है, अब अपन को हाईलाइट्स ही हाईलाइट्स देने हैं। तो नीडेड इरेजर लो, ये जो ऊपर वाला ओवल शेप जो मैं छुड़वा रहा था, हल्के से उसको और ओवल करो, मतलब बस बीच में इतना सा इरेज कर दो, तो ये देखो क्या होता है, शाइन आ जाती है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो देखो अब बेटर है। तो ये हल्का हल्का, पूरा इरेज मत कर देना, देखो गलती यही करोगे तुम लोग, पूरा ओवल शेप इरेज कर दिया, नहीं एक हल्का सा ओवल शेप इरेज करो, इतने में हो जाता है। उसके बाद क्या करना है अपन को,
अपनी मोनोजीरो इरेजर लो और आयरिस के ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये ऊपर वाला इतना इरेज करो, और ये नीचे वाला जो कर्व है ये इरेज करो थोड़ा। ओके ये कर दिया। अब इसके बाद क्या करना, अंदर की जो आई है इस पर ग्रेफाइट आ गया होगा, उसे क्लियर करो। और फिर बस दो चीज़ें बचते हैं, वाइट जेल पेन लो और यहाँ पे दो डॉट्स लगा दो, तो उससे अपनी जो आँख है वो देखो कितनी बढ़िया हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन को बाल करने हैं, तो पहले आईज कंप्लीट कर लो फिर अपन बाल करते हैं। बाल स्टार्ट करते हैं अब अपन, तो मैकेनिकल पेंसिल लो सबसे पहले, और मैकेनिकल पेंसिल से जो बाल हैं, जैसे सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जा रहे हैं बाल, यहाँ से आ रहे हैं ऐसे कर्व होते हुए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे तुम्हें अभी से डार्क बनाने की ज़रूरत नहीं, मैकेनिकल पेंसिल से नॉर्मली जितने आ रहे हैं उतने बना दो। जैसे ये आ गए, पहले मुझे देख लो, मैं इतना पोर्शन करता हूँ इतना वाला, फिर तुम लोग को करने देता हूँ, फिर इतना पोर्शन मैं एक बार में करूँगा उतना करने दूँगा। तो पहले एक छोटा पोर्शन देखो, तो ये आया, अब ये पेपर है। ठीक है, ये इतना हिस्सा, ये जो है ये पेपर है, ये बाल आए यहाँ से। ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि कौन सा हिस्सा पेपर है, कौन से हिस्से बाल हैं। तो ये जो जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये मैंने एक मेन स्ट्रिप बनाई थी, बाकी से जैसे जो इधर जा रही उधर जा रही अलग बाल निकल रहे वो बात अलग होती है। ओके, तो ये जैसे ये गया और ये यहाँ पे पतली सी ऐसे दिख रहे हैं बाल यहाँ पे आते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीच में हाईलाइट है, जैसा कि मैं बताया दो तरीके के होते हैं, या तो हाईलाइट बना दो या छोड़ दो। अपन मैकेनिकल पेंसिल से बना देते हैं पूरे बाल, और बाद में मोनोजीरो इरेजर से इरेज कर देंगे हाईलाइट्स, ताकि अपन को जब 10B से करें या 6B से करें तो अपन को याद रहे कि यहाँ पे पेंसिल नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, तो पहले इसे भर देता हूँ मैं, ऐसे नहीं कि कलर भर रहे हो, शेड भी नहीं करना है इस पर, इसमें तुम्हें स्ट्रोक्स लगाने हैं। स्ट्रोक्स कैसे लगाने हैं, ये जो फॉर्म आ रहा ना, ये तो इसके तरह क्या कहते हैं, कर्व्स आ रहे हैं, ये आया कर्व, यहाँ से ये कर्व आता जा रहा है इस तरीके का। ओके, ये कर्व आया, एक बार में मैं नहीं बोल रहा कि ऊपर से लेके नीचे तक का आ जाओ। ठीक है, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि यहाँ से जितना एक बार में चल पा रहा है, जैसे ये है, अब ये मेरा पूरा एक फ्लो में आ सकता है, लेकिन मुझे बस क्या करना है, इस तरीके से अपना जो स्केच है उसे उल्टा रखो, और यहाँ से लेके इस तरीके से जो कर्व है यहाँ नीचे तक ले आओ। ओके, इस तरीके से ये होगा। अब क्या करना है अपन को, ये तो मेन ब्रांच टाइप आ गई, अब इसके आसपास से थोड़े और निकाल लें, जैसे यहाँ से ही आया, यहाँ से ही अलग मुड़ गया ये। ठीक है, बहुत आगे तक नहीं ले जाना है, ये मुड़ा और एक और कर्व के साथ यहाँ आ गया। ठीक है, बहुत आगे नहीं ले जाना, एक और कर्व के साथ ऐसे मुड़ गया ये, इस तरीके से करना। तो यहाँ देख लो, तो इसे सबको एकदम ऐसा नहीं कि दो तीन बाल बना दो, थोड़ा ये जो मेन ब्रांचेज है ना, थोड़ी इन्हें मोटा बनाओ, ऐसे ये दिख रहे हैं ना, ये मोटे दिख रहे हैं अपन को इस तरीके से थोड़े। अब ये बन तो गए, लेकिन अब क्या करना, इनके आसपास भी तो थोड़े बिखर रहे होंगे, थोड़े मैकेनिकल पेंसिल से बना रहे हैं अपन, थोड़े अपन डार्क पेंसिल से बना देंगे। ठीक है, जैसे इस तरीके से बाल एकदम कहते परफेक्ट किसी के नहीं आते, बिखरे रहते ही हैं। ठीक है, इस तरीके से दो चार कहीं रैंडम डायरेक्शन में है, कुछ यहाँ नीचे की तरफ कुछ यहाँ पे, इस तरीके से आए। तो ये जो दो हिस्सा है इतना कर लो पहले, ताकि एक आइडिया लग जाए कैसे करना है। ठीक है, अब जो ये वाले आ रहे हैं, ये एक फ्लो में आएंगे, असल में ये ऊपर से आया और फिर यहाँ तक का जो फ्लो है ये एक फ्लो में आएंगे, तो वो पहले फ्लो मेरा देखो और फिर उसको फ्लो को कॉपी करने की कोशिश करना। ठीक है, फ्लो को जो मैं बना रहा हूँ वैसा नहीं, लेकिन फ्लो को कॉपी करो, तो मैं हाथ में रेफरेंस है, तो देखते हैं अपन यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो नीचे की तरफ लाओ पहले, जो चेहरे पे हल्के हल्के बाल आते हैं ना यहाँ पे, ये स्कैल्प से निकलते हुए वो दिखने चाहिए हल्के हल्के। ठीक है, बहुत एकदम डार्क मत कर देना। अब ये जो फ्लो जा रहा है, जैसे ये जा रहा है ना, दो चार बाल एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, मेन फ्लो कहाँ तक है, यहाँ तक है इस तरीके से। ओके, फिर यहाँ ये ऊपर चला गया, अब यहाँ आता है, तो इसको क्या करना पड़ता है अपन को, जैसे ये तो थोड़ा हिस्सा ऐसे ब्लैक सा रहेगा,
यहाँ पे आ रहे हैं बाल चेहरे पे, तो यहाँ नीचे से कर्व लेते हुए ये वाला जिस तरह रहता है ना, नीचे से कर्व लेते हुए आओ ऐसे, चेहरे पे थोड़े थोड़े आ रहे हैं, ओके इस तरीके से। ये डायरेक्ट 10B से इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि बहुत गड़बड़ कर दोगे डायरेक्ट 10B में, तो अपन को एक बेस लेयर बालों में भी सही रहती है, ठीक है। अब इसे नीचे की तरफ कर्व करते हुए लाना, एक बार ध्यान रखना इस पेपर पे बहुत सारा नहीं आना चाहिए, ये जो एक्स्ट्रा बाल जो पेपर पे भटक रहे हैं ना, जैसे ये जा रहे ऊपर वाले आ रहे हैं, ये तब बनाएंगे अपन जब अपन ये जो पेपर है इसे साफ कर लेंगे, ठीक है। तो मेन जो फ्लो है वो कहाँ तक आ रहा है, इस तरीके से आया ये फ्लो, ये दिख रहा है ना ये वाइट वाला पोर्शन, यहाँ पे आके ऐसे ज्वाइन हुआ, तो अपना मेन फ्लो यहाँ एंड हो रहा है, पहला फ्लो जो आ रहा है ना। तो इसे क्या करना है, ऊपर से नीचे लाइए अपन, तो अपन को बीच में थोड़ा दिख रहा है, तो क्या करो कर्व करते करते नीचे से ऊपर ले जाओ, कर्व करते करते, एक बार ध्यान रखना ये कर्व्ड है, स्ट्रेट नहीं है, हल्के हल्के ये कर्व्ड है, ठीक है, ये कर्व हुए जितने ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, छूट रहा है कोई परेशानी नहीं है, अपने हिसाब से बनाओ इतना आता है तुम लोग को। नीचे से ऊपर गए, अब ऊपर से नीचे लाओ, ये थोड़ा हिस्सा जो है जैसे ये वाला, यहाँ यहाँ थोड़े थोड़े छोड़ देना, और ऐसे कर्व करते रहो, ठीक है, ये हुआ। अब जरा यहाँ देखना इतना सा और बचता है, बाकी तुम्हें पता है ये जो एक्स्ट्रा निकलने हैं वो अपन बाद में बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो अब आता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन और नीचे जो जा रहा है वो एक फ्लो में लाने की कोशिश करो, कैसे, जैसे ये है, इसे पहले ये जो कर्व जा रहा है इसको ऊपर की तरफ ले जाओ, ऐसे कर्व करते करते, पेंसिल जो है शार्प पॉइंट यूज़ करना पेंसिल का हर समय, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पेपर पे आ रहा है कोई परेशानी नहीं, बाद में अपन इरेज कर देंगे, ये है फ्लो ऐसा। और ये नीचे की तरफ आ गए, ठीक है। अब ये जो फ्लो है ये इन बालों पे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, तो ये आया यहाँ कर्व मारेगा, यहाँ से एक और आ रही होगी स्ट्रिप, वो यहाँ ऐसे कर्व मारेगी। तो बेस्ट पार्ट ये रहता है, इस तरीके से एक कर्व करो, देखो अपना हाथ एक बार में पूरा नहीं चल सकता ये, ठीक है, अपना हाथ जो है वो एक बार में ऐसे यहाँ से यहाँ नहीं चल सकता, तो क्या है जहाँ तक चल रहा है वहाँ तक चलाओ, जैसे मेरा है मैं यहाँ तक कर रहा, तुम्हारा अगर इतना चल रहा है तो इतना करो, ठीक है। मैंने यहाँ करा और यहाँ करके छोड़ दिया, मैंने नोटबुक पलटी, ठीक है, हाथ के नीचे कोई पेपर रख लेना अगर हाथ बहुत गंदा हो रहा हो, और इसे अपोजिट डायरेक्शन में कर्व करना चालू कर दिया, बेस्ट तरीका रहता है इसे करने का। थोड़ा और नोटबुक मैंने घुमाई, मुझे यहाँ तक ऐसे मोटे नहीं लाने, यहाँ पे बस जो मेरी स्ट्रिप है वो ऐसे एंड हो जाएगी, और ये कर्व करते करते धीरे धीरे यहाँ आ गया, ठीक है, एकदम स्मूथ आ गया। अब सेम चीज़ थोड़ा यहाँ से एकदम धीरे से कर्व लाया अपन, यहाँ से ऐसे कर्व लाते लाते, ओके देख सकते हो यहाँ से कर्व आ रहा है, वो कर्व कहाँ मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से भी एक कर्व बना लो इस डायरेक्शन में कर्व बना लो, देखो जितना हाथ चल रहा है उतना चलाओ, और बाकी में अपना स्केच जो है वो घुमाओ, जैसे इतना बचता है इतने में क्या करो ऐसे घुमा लो, और इतना बचता है इतने में और घुमा लो, ठीक है। तो ये आ जाता है, जो छोटे मोटे इधर उधर निकल रहे हैं, जैसे ये आ गया, ठीक है, यहाँ से पतला सा स्ट्रिप चली गई, ये यहाँ से ऐसे आ रही है जो स्ट्रिप आ रही है अलग से, जो बीच में बाल अलग जा रहे इधर उधर वो बनेंगे। अब देखो ज़रा ये फ्लो में है, एक चीज़ समझ लो, सफिशेंट टाइम मिलेगा इसे बनाने के लिए। ये जो बाल अब यहाँ दिख रहे हैं, ये जो चेहरे पे दिख रहे हैं, ये अभी बनाओ, जो पेपर पे दिख रहे हैं वो बाद में बनेंगे। तो जो चेहरे वाले बाल हैं, जैसे ये दिख रहा मुझे एक, ये तो लिटरली पूरे चेहरे की आउटलाइन ही है अपने, ये जो बाल जा रहा है इन पे थोड़ा प्रेशर डालना, पेंसिल इन पे थोड़ी डार्क चलनी चाहिए मैकेनिकल, जैसे ये है रेंडमली भाग रहे हैं, तो मैं एक एक बाल कॉपी करने की कोशिश करो, थोड़ा अभी कॉपी करो क्योंकि ये स्टार्टिंग है, ठीक है, बाद में अपने आप फ्लो में निकलेंगे, जैसे मेरी प्रैक्टिस है तो मेरा थोड़े फ्लो में निकल रहा है अपने आप, भले इसमें थोड़े मैच ना कर रहे हो, तुम लोग पूरी कोशिश करना मैच करने की उन बालों को,
ओके अब देखना, ये जो ऊपर से निकल रहे ना बाल, ये वाले जो इस पेपर के ऊपर से निकल रहे ये वाले बाल यहाँ इस पेपर के ऊपर से, वो अपन बाद में बनाएंगे, ठीक है। वो डायरेक्ट 10B से बनते हैं। तो ये अपना राइट साइड वाला पोर्शन हो जाता है बालों का फर्स्ट लेयर। तो पहले इतना कर लो आप। तो हाइलाइट्स के लिए अपनी टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर लो, और हाइलाइट्स कहाँ कहाँ हैं ये देख सकते हो, एक हल्का सा यहाँ पे है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये दोबारा जो अगली लेयर 10B से करेंगे वो करते समय इनके ऊपर मत चलाना, यहाँ पे हैं हाइलाइट्स थोड़े इस तरीके से कर्व में, ठीक है। थोड़े हाइलाइट्स इधर हैं, फिर थोड़े हाइलाइट्स इधर हैं इस पे, और थोड़े से इस कर्व पे, ठीक है। ये देखो ऊपर से पकड़ो एक एक, जैसे ये है इसे करेंगे अपन, ये पकड़ा अपन ने, तो यहाँ पे जो अपन को दिख रहा है ना ऐसे हाइलाइट थोड़े ऊपर, ऐसे एक एक स्क्वायर सा इरेज नहीं करो, ऐसे तुम भी इरेजर से स्ट्रोक लगाओ, ऐसे ये कर्व जा रहा है, तुमने पूरा ऐसे कर्व इरेज करा, ठीक है। ये नीचे की तरफ है तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो तुमने स्ट्रोक्स लगाए, ऐसे तीन चार स्ट्रोक्स यहाँ लगाए, ये कर्व दिख रहा तो तुमने दो तीन बार स्ट्रोक्स यहाँ लगाए, ये कर्व दिख रहा तो दो तीन बार स्ट्रोक्स यहाँ लगाए, नीचे की तरफ दिखा दो तीन बार स्ट्रोक्स ऐसे लगाए, तो ये तुम्हारे हाईलाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो 10B पेंसिल ली अब अपन ने, तो अब एक बात ध्यान रखना, जो पहली लेयर में गलती हुई वो इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें नीटनेस से काम होना चाहिए, क्योंकि अपन सबसे डार्क पेंसिल यूज कर रहे हैं, ओके। तो इस तरीके से ये कर्व आएगा, देखो पेंसिल को शार्प रखना, ठीक है, इस तरीके से कर्व आ रहा है, और एक काम करो, ये कर लिया अपन ने, तो ये हल्का हल्का ये ब्लेंड कर लो, जैसे ये वाला पोर्शन है ना, इसे हल्का हल्का ऐसे ब्रश चला लो तो और बेटर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर लो ब्लेंड। ये वाला जो पोर्शन है आप देखो, जैसे यहाँ पे हाईलाइट है, तो मैं क्या करूँगा, इसके बाहर का एक कर्व गया, अब यहाँ से ऐसे कर्व आएंगे तो वो इसके बाहर से ही चले जाएंगे, क्योंकि इसे एक बार तो पता है तुम लोग को, एक और बार इन्हें हाईलाइट देना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी कैसे क्या फ़ायदा होता अपन को पता चल जाता, लेकिन कहाँ देने हैं वो हाईलाइट, ठीक है। एक आध स्ट्रोक ऐसे बाहर जा रहा है, ये निकल गया तो उसकी भी कोई परेशानी नहीं है, ये अपन स्ट्रोक लगा रहे, एक आध तो चलता है, लेकिन तुम्हें तो सारे स्ट्रोक ऐसे बाहर की तरफ बिखर रहे हैं वो नहीं चलेगा। ये वाला जो रीजन है पूरा नहीं छूटेगा, यहाँ नीचे से एक आध ऐसे स्ट्रोक्स आएंगे नीचे की तरफ, थोड़े नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ऐसे भरना नहीं है, इतना हिस्सा छोड़ दिया, देख सकते हो डेप्थ आना चालू हो गई अब अपने चेहरे में। ये नीचे की तरफ है, यहाँ पे हाइलाइट्स हैं, उसका ध्यान रखना अपन को, यहाँ बीच में हाइलाइट्स है, ऊपर की तरफ चले गए, यहाँ से आया, ये हाइलाइट्स है, ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा हाइलाइट था और ये चला गया। यहाँ जो एक आध दो ऐसे डार्क से बाल तुम्हें अगर रेफरेंस में समझ में आ रहे हैं यहाँ से देखने में, ऐसे ये गए, लेकिन वो ऑड नहीं लगने चाहिए कि तुमने कहीं से भी एकदम यहाँ नीचे की तरफ जा रहे, तुमने एक ऊपर की तरफ बाल निकाल दिया है, हॉरिजॉन्टल निकाल दिया, नहीं वो बाल नहीं चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आया, इस तरीके से क्या करो, हल्का सा ब्रश इतने हिस्से पे रखो, ब्लेंड करो, जितना शेड किया है ना मतलब स्ट्रोक्स लगाए बाल उतने ही करो, ये हाईलाइट वाले पोर्शन पे नहीं करना, इन पे ब्लेंड कर लो, हल्का हल्का हाईलाइट जैसे यहाँ पे दोबारा हल्के हल्के से दोबारा दे दो, यहाँ यहाँ पे हल्के हल्के से दोबारा दे दो, दोबारा दे दिया यहाँ पे हल्के, तो इस तरीके से ये देख सकते हो ये अपने शाइन मारते हुए लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये पोर्शन शाइन मार रहा हो, तो वही अपन को अचीव करना है, ठीक है। तो इतना करो पहले, आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तो अब अपन बाकी करते हैं, भाई अपनी 10B पेंसिल दो, ठीक है। जैसे अपन ने ऊपर से किया था, यहाँ से धीरे से थोड़ा लाइटली लेते हुए आओ, यहाँ से थोड़ा लाइट लेते लेते डार्क लाओ, ठीक है, और बालों को ऊपर की तरफ ले जाओ और ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से कर्व ले गए इस तरीके से, तो पहले जो कर्व हैं जो चेहरे पे आने चाहिए थोड़े थोड़े बाल हल्के हल्के, तो नीचे नीचे जो है हल्के हल्के लेते हुए आओ, ओके, नीचे हल्के हल्के लेते हुए आओ, और फिर ये ऊपर कर्व करते हुए, देखो शार्प रखना, भले ही अपन को पूरा हिस्सा भरना है लेकिन जो शार्प स्ट्रोक्स हैं वो अच्छे दिखते हैं, ठीक है। ये देखो ऊपर का हिस्सा भरा, अब नीचे की तरफ आते हैं, तो ये जो थोड़े बाहर की तरफ चेहरे की तरफ आ रहे हैं, पहले ये बना लो, ओके, इस तरीके से, ये जो ऐसे रेंडमली बाहर निकल रहे हैं थोड़े यहाँ से ऐसे कर्व होते हुए, ये बना लो, फिर
फिर ये जो कर्व होते पहले मुझे देख लो, जैसे कि मैंने बताया था ना एक फ्लो में आता है, तो वो फ्लो मेरा देखो पहले, वो तुम्हें फ्लो भी वही कॉपी करना होगा। यहाँ से ये फ्लो आया, कहाँ पे जा रहा है, इस तरीके से। ये जो अलग से निकल रहा है ना चेहरे पे, ये अपन बाद में बनाएंगे, अभी पहले जो मेन मेन मोटा मोटा हिस्सा है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो जा रहे हैं ऐसे, अब क्या करना, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाओ, तुम्हें पता ही है कहाँ तक ले जाने, जैसे ये है इस तरीके से तुम्हें ले जाने हैं। बढ़िया, इस तरीके से कर लो। ऊपर से भी नीचे लाओ, ये जो है ये बीच का हिस्सा ऐसे छोड़ते जाना, क्योंकि यहाँ अपन को शाइन दिख रही है, वो बाद में अगर और ज़रूरत पड़ी तो मैकेनिकल पेंसिल से करेंगे, 10B से नहीं करेंगे, क्योंकि 10B वो पूरी शाइन को ख़त्म कर देगा। तो आराम आराम से पहले कर्व लाओ। देखो एक बार में ऊपर से नीचे नहीं ला पा रहे हो, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ से यहाँ ऐसे कर्व लेते हुए आओ, जितना हाथ चल रहा है उतना चलाओ, ठीक है। बस बीच में जो नीटनेस आनी चाहिए, ये ऐसे नहीं कि गंदे से स्ट्रोक्स लगा रहे हो कुछ भी उल्टे सीधे, तो नीटनेस आनी चाहिए। इस तरीके का ऊपर का हिस्सा होता है, मैंने ये वाला हिस्सा इरेज किया था, तो मतलब क्या होगा, ये इस तरीके से आता है, ये कर्व होते हुए नीचे की तरफ बढ़ गया। तो पहले नीचे के बाद में पहले ऊपर ऊपर का जो हिसाब है अपना, तो यहाँ से कर्व आ रहा ना, वो कर्व करो, ठीक है। अभी अपन को क्या है ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इधर उधर ग्रेफाइट नहीं फैलना, क्योंकि अपन को इरेज करना है, वही तो अपनी खास बात है अभी इस स्केच में, तो उसको गंदा नहीं करना बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये बाल बड़े वाले आ रहे हैं, यहाँ पे हाईलाइट छूटे हुए हैं, तो क्या करना अपन को, पेंसिल शार्प रखनी है, इस तरीके से कर्व आता है, ये बीच में है, बीच में अपन को पता है यहाँ से यहाँ जा रही है और ये इधर मुड़ गई, ये आया ये यहाँ आ रही है और यहाँ ही ऐसे मुड़ गई, ठीक है। तो एंड में जो जा रहे बाल ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे थोड़े स्ट्रोक्स लगा लो, ठीक है, फिर अंदर की तरफ लाते हुए स्ट्रोक लगाओ। मेरे हाथ का मूवमेंट देखो, मैं टाइम दूंगा, दोबारा बता दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी, ठीक है। पहले यहाँ ध्यान से देखो, अब ये बीच वाला पोर्शन है, यहाँ हाईलाइट है, यहाँ हाईलाइट है, तुम्हें क्या करना है, इस तरीके से कर्व लगाओ ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे कर्व ऐसे ना, ऊपर नीचे लगा रहे, तो वही चीज़, एक हाथ ऊपर चला गया, एक हाथ नीचे चला गया, इस तरीके से अपने ये जो हेयर स्ट्रैंड है ये होते जा रहे हैं। फिर इसके बाद बचता है ये वाला, ये और करके बताता हूँ, उसके बाद ये जो बीच बीच में रैंडमली निकल रहे हैं वो बताऊँगा मैं, ठीक है, कि कहाँ अभी बनाने और कहाँ वो पेपर इरेज होने के बाद। तो ये जो आ रहा है, ये जो डार्क सा पोर्शन आ रहा है ना, ये तो अभी बनाना है अपन को, ये इसके ऊपर से निकल रहा है बाल ऐसे, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया था, जो बन रहा है जितना हिस्सा एक बार में, जैसे ये वाला बन रहा है वो बनाओ, और जो नहीं बन रहा उसको रुक छोड़ो, और जैसे ये वाला है इस पर हाथ नहीं घूमेगा, तो तुम्हें क्या करना, स्केच को घुमा दो और इस तरीके से जो अपने कर्व्स हैं वो करो, ये कर्व है ये करो, बीच में हाइलाइट्स से छोड़े वो हाइलाइट्स करे, ये जो बीच में कर्व दिख रहा है अपन को, ये नीचे जाता हुआ वो कर्व किया अपन ने, ठीक है। तो रैंडम से बाल दिख रहे हैं ना अपन को, अब वो बनाने का टाइम आता है, ठीक है। तो रैंडम से बाल क्या हो जाते हैं, जैसे ये हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, एक हाथ ये डार्क चला गया, ठीक है, ये एक हाथ ऐसे डार्क चला गया, ऐसे बहुत ज़्यादा डार्क मत करना, क्योंकि तुम लोग का क्या रहता है, एक रैंडम सा ऑड दिखने लगता है। 10B को थोड़ा लाइटली यूज़ करो, ठीक है, ये डार्क बाल हुए। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये थोड़े फैलते हुए दिख रहे हैं, इधर एक हाथ चला गया, ये वाले बाद में बनेंगे जब अपन पेपर इरेज करेंगे, ये हो गया। यहाँ हल्का हल्का जो चेहरे के पास है ये पेपर, यहाँ 10B से ज़रा ज़रा शेड करो, सिर्फ शेड करो, बहुत पतला पतला, हल्का हल्का भी कर दोगे कोई परेशानी नहीं है मुझे, बस बहुत एकदम। एक बात ध्यान रखना, तुम लोग गलती क्या करोगे, गलती ये होगी तुम्हारी कि तुम जो है इसे लाइन की तरह बनाओगे, क्या आउटलाइन, आउटलाइन नहीं है ये, ये जो तुमने आउटलाइन करी है उस पर शेड करना है बस, हल्का हल्का अंदर की तरफ, ये दिख रहा है ना अपन को, और ये एक देखो एक ऐसे बाल सा जा रहा है, तो पेंसिल शार्प रखना और ये एक बाल यहाँ ऐसे ऊपर की तरफ ज्वाइन कर दो, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ होगी, ये देख सकते हो एक आध दो बाल जो हैं वो यहाँ पे हैं, ये दिख रहे हैं ना अपन को, यहाँ आते हुए यहाँ से एक ऐसे कर्व करते उठता हुआ बाल, ठीक है, थोड़े थोड़े यहाँ पे शेड दिख रहा अपन को, ये शेड देख रहे हो ना, ये हल्का हल्का शेड यहाँ पेपर के पास है। तो इस तरीके से देखो, अब अपन को एक बहुत सॉलिड डेप्थ मिल जाती है,
वो सॉलिड जो डेप्थ अपन को मिली ना, यहाँ यहाँ पे थोड़े से बाल जो रैंडमली भाग रहे हैं ऐसे इधर की तरफ, ऐसे रैंडमली कर्व हुआ। देखो तुम लोग को अभी वो रैंडमली बनाने की आदत नहीं है, तो रेफरेंस को देखना पहले फिर बनाना, मुझे है इसलिए मैं वैसा बना रहा हूँ। ओके इतना बना लो पहले। चलो तो अब काम है अपना इसमें जादू करने का, तो उसके लिए अपन को चाहिए पड़ेगी अपनी मोनो जीरो इरेजर। तो तुम्हें पता ही है अब स्केच कंप्लीट होने को आया है, अब अपन को बस एक चीज़ करनी है, मोनो जीरो इरेजर यूज़ करने से पहले अपन ब्लेंड कर लेते हैं हेयर्स। तो हेयर्स ये वाले तो ब्लेंड कर लिए थे, इनको देखो ब्रश जो है सिर्फ इतने पार्ट में रखना जहाँ जहाँ हो, क्योंकि क्या है 10B है, 10B बहुत जल्दी फैलती है। जैसे ये पार्ट हो गया, यहाँ यहाँ हो गया, हल्का हल्का चलाया, फिर यहाँ पे चलाया, ये जो हल्के हल्के एक एक आ रही ना लाइन, मतलब अपने एक एक हेयर स्ट्रैंड आ रहे हैं, इस तरीके से किया, फिर इस पे चलाया, फिर यहाँ हल्का हल्का, देखो बाहर नहीं फैलने चाहिए। ओके जितना ब्रश चल पा रहा है, मैं ये नहीं बोला कि एकदम घिस घिस के ब्लेंड करो, लेकिन जितना ब्रश चल पा रहा है उतना ही चलाओ, और इससे देखो कितना अच्छा अपना और शाइन आ जाएगी। ठीक है अब रुक जाओ, अब यहाँ देखो अब अपन स्टार्ट करेंगे उसे इरेज करना। ठीक है तो एक बात ध्यान रखना, इरेज गलत मत कर देना, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही चांस है, तुम दोबारा उसको उतना अच्छा शेड नहीं कर पाओगे। तो हाथ के नीचे एक पेपर रखो, क्योंकि वरना तुम्हारा 10B से ग्रेफाइट फैलेगा। यहाँ से स्टार्ट करो, देखो पेपर की कोई आउटलाइन नहीं है, पेपर की कोई आउटलाइन नहीं है, तो ऐसे धीरे धीरे पहले जो आउटलाइन है जो अपन ने ड्रॉ करी थी वो इरेज करना चालू करो। धीरे धीरे जो आउटलाइन बनाई ना अपन ने, इसको धीरे धीरे ऐसे जैसे ऊपर तक ले गए, जैसे धीरे धीरे ऊपर ऊपर तक ले गए। इरेजर जो है उसे साफ करते रहना, उस पर ग्रेफाइट इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये जो अपन ने शेड किया ना ये पोर्शन, इसे इरेज मत कर देना गलती से, इसके पास ज़रा ध्यान से करना। और पेपर को ऐसा नहीं कि एकदम लाइन से बनाओ, जैसे अपन ने कैसे ड्रॉ किया था उसे थोड़ा ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते जैसा शेड किया था, ड्रॉ किया था, तो वो इरेज भी वैसे ही करेंगे। ठीक है ये इतना हिस्सा ऐसे आराम आराम से इरेज करा, ये आउटलाइन बन गई अपनी। अब नीचे वाले की इरेज करना है आउटलाइन अपन को। ओके तो पहले देख लो ज़रा नीचे वाले की आउटलाइन इरेज करी, इसको धीरे धीरे इतना करते गए। ठीक है इसे थोड़ा उबड़ खाबड़ सा होना चाहिए ये, फिर इसको आराम आराम से, ध्यान रखना ये हिस्सा जो है जो अपन ने शेड किया 10B से वो इरेज नहीं हो, तो अपने पास बॉर्डर है। ठीक है अब इसकी बॉर्डर बना लो ज़रा, जो अपन ने अंदर का शेडेड पोर्शन है ना इससे बॉर्डर बना लो। तो ऊपर का हिस्सा तो देखो अपना पूरा इरेज हो ही जाता है। ठीक है इसके ऊपर ऊपर जो थोड़ा है यहाँ यहाँ थोड़ा ब्रश चला लो इसके ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में, ताकि ऊपर का पोर्शन थोड़ा डार्क लगे और ताकि ये जो है ये अपना उभर के आए। ओके इसी तरीके से मैं पूरा जो रीजन है ये पहले मुझे देख लो। ओके जैसे ये आया ना, इसी तरीके से ये जो पूरा रीजन है ये मैं इरेज कर रहा हूँ, तो पहले मुझे देख लो। ठीक है तो ये देख सकते हो डिफरेंस, इसमें मैंने इरेज करने का कितना अच्छा लग रहा है, बसता ये वाला पोर्शन। ठीक है मैं उसे भी इरेज करता हूँ, वो भी देखो पहले। बॉर्डर्स के पास बहुत ध्यान से तुम्हें इरेज करना पड़ता है। ओके ये जो आउटलाइंस हैं ये भी हल्की हल्की इरेज करते जाओ, ताकि जो अपन ने पेंसिल से करी थी वो दिखे ना। ये बहुत आराम वाला काम है क्योंकि छोटा एरिया है। ठीक है और हाथ से ऐसे नहीं हटाना है, फूंक मारो ज़ोर से। ठीक है तब जाके उड़ेगा जो डस्ट है ना, फूक मार के उड़ाओ हाथ से नहीं। ठीक है बहुत आराम आराम से करना है, बहुत आराम आराम से करो इस तरीके से। ये देख सकते हो पेपर स्ट्रेट जा रहा है, तो इस तरीके से ले जाओ। इरेजर जो है इरेजर को धीरे धीरे थोड़ी देर में काटते रहो ऐसे आगे से, तो क्या होता है वो शार्प बनी रहती है। ओके ये हो गई दोबारा शार्प, इस तरीके से धीरे से फिर से बॉर्डर जो है उसे बना लो। अब ये ऊपर वाली जो बॉर्डर है वो बना लो।
बीच का हिस्सा देखो बहुत अच्छे तरीके से एकदम वाइट दिखना चाहिए, बीच में जो ग्रेड की लाइंस हैं पूरा ग्रेफाइट है, कुछ नहीं दिखना चाहिए। अगर बाल हैं उसमें तो वो अपन बाद में बनाएंगे, ओके। इसके बाद बचते पीछे वाला हिस्सा, तो पीछे वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा ऐसा गंदा तो हुआ नहीं है, लेकिन तब भी उसे अच्छे तरीके से एकदम इरेज करो, बहुत आराम आराम से करना है। देखो उल्टे सीधे मत करना कि जल्दबाजी में करा तो आसपास का कोई एरिया इरेज हो गया, ठीक है। इस धीरे धीरे करते जाओ और ये अपना पूरा जो पेपर वाला एरिया है ना वो इरेज हो जाता है, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है अपन का, बस एक चीज़ बचती है वो है बाल बनाना, तो पहले इतना कर लो। तो अपना इतना हो जाता है तो अब अपना बस स्केच कंप्लीट ही है, दो ही चीज़ें बचती हैं। पहली है ये जो बाल एक्स्ट्रा निकल रहे जैसे ये जा रहा है ना, तो उसके लिए पेंसिल 10B शार्प रखो। ये कर्व गया, उसके ऊपर से ऐसे कर्व होते हुए दो चार और गए, फिर यहाँ से ये कर्व गया ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे कर्व गया ये होते हुए धीरे से इस तरीके से कर्व होते हुए ऐसे, यहाँ से ये जा रहे हैं दो चार, ये बाल ऐसे उठते हुए इधर से गया, देख सकते हो ये बाल उठा ऐसे नीचे हुआ और यहाँ चला गया इस तरीके से, ये गया, ठीक है। और कहाँ, और कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। थोड़े थोड़े यहाँ से ये जो चेहरे पे निकल रहे ना ये वाले बाल, हाँ ये बचते हैं अपने बस, तो ये जो ऐसे फ्लो में आने चाहिए तुम्हें, ठीक है। ये आ गए दो चार यहाँ से निकल गए, एक आते यहाँ से ऐसे आया, ये अंदर की तरफ से बाहर निकल गए, ओके। इस तरीके से ये यहाँ फ्लो में मेंटेन होने चाहिए और ये जो अपना स्केच इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। बस एक ही चीज़ बचती है, यहाँ नीचे लो, ओके, और अपना साइन कर दो, ओके। तो इसके साथ अपना ये स्केच कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आज अपना ये कंप्लीट हो गया है, बाकी अपन अपना स्केच चालू करेंगे, ओके।